अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपको अपने यूट्यूब चैनल में खुश आमदीद कहता हूँ। और आज भी मैं एक दिलचस्प टॉपिक के साथ आपके सामने आया हूँ। टॉपिक के बारे में मज़ीद जानने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चलते हैं टॉपिक की जानिब। बॉलीवुड के मशहूर अदाकार आमिर खान अपनी वालिद ताहिर हुसैन की माली परेशानियों के बारे में बताते हुए कैमरे के सामने रो पड़े। भारतीय ज़रा अबलाग के मुताबिक एक इंटरव्यू में आमिर खान अपनी माजी के हवाले से बात कर रहे थे कि उसी दौरान अदाकार अपने वालिद की माली परेशानियों से मुतालिक बताते हुए रो पड़े। उन्होंने बताया कि जब मैं 10 साल का था उस वक्त हमारे माली हालात बहुत ख़राब थे। अदाकार ने बताया है कि उनके वालिद ने लॉकेट नामी फिल्म बनाने के लिए बहुत से लोगों से सूद पर कर्जा लिया था और 8 साल से ज़ायद का अरसा गुजरने के बावजूद वो फिल्म नहीं बना सके थे। ये वो वक्त था जब अदाकार बीक वक्त कई फिल्में किया करते थे। अपने वालिद के बारे में बताते हुए आमिर खान ने बताया कि उनके वालिद को बुनियादी सहूलियात के लिए भीख मांगते देखकर घर वालों को बहुत परेशानी होती थी। वो बहुत सादा इंसान थे और उनके वालिद की बनाई गई कुछ फिल्में बहुत चली, लेकिन उनके पास इतना पैसा कभी नहीं था। आमिर खान ने बताया कि अपने वालिद को मुश्किल में देखकर बहुत तकलीफ होती थी, क्योंकि उन्हें उन लोगों के फ़ोन आते थे जिनसे उन्होंने पैसे ले रखे थे। मेरे वालिद का फ़ोन पर झगड़ा शुरू हो जाता था और वालिद कहते थे कि उनके पास पैसे नहीं हैं क्योंकि उनकी फिल्म फंस गई है। माजी की कहानियां सुनाते हुए आमिर खान रो पड़े और कुछ देर के लिए इंटरव्यू छोड़कर चले गए। ताहम कुछ देर बाद खुद को संभाल कर दोबारा इंटरव्यू शुरू किया।